नमस्कार, स्वागत है इंडियन वीकली न्यूज पर। हफ्ते भर के तमाम और अहम खबरों के साथ मैं हूं तेरी नतुंगखम। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। आज जुलाई को एनपीपी अरुणाचल प्रदेश इकाई ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को अस्वीकार कर दिया और नई पेंशन योजना के कार्यान्वयन पर चिंता व्यक्त की। शनिवार को राज्यपाल केसी पटनायक ने सशस्त्र बलों से राज्य युवा बंधन को बढ़ावा देने और जीवंत गांवों को बढ़ावा देने का किया आग्रह। 10 जुलाई सोमवार को लोंगडिंग जिले में ड्रग तस्कर गिरफ्तार। 11 जुलाई मंगलवार को पश्चिम कामेंग डीसी आकृति साकर ने निरीक्षण दौरे के माध्यम से सामुदायिक सशक्तिकरण और कल्याण को बढ़ाया आगे। 12 जुलाई बुधवार को महिला कांस्टेबल के कथित यौन उत्पीड़न के आरोप में आईपीएस अधिकारी जांच के दायरे में। 14 जुलाई शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने खेल प्रशिक्षण केंद्र की रखी आधारशिला। और शुक्रवार को अरुणाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने शिक्षा प्रदर्शन में सुधार के लिए सहयोग का किया आह्वान। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल केसी पटनायक ने पूर्वी कामेंग जिले में तैनात सशस्त्र बलों के अधिकारियों को सलाह दी कि वे राज्य के युवाओं को सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करें, क्योंकि मिट्टी के बेटे हमेशा बलों के लिए मूल्यवान रहेंगे। शुक्रवार को यहां सशस्त्र बलों के अधिकारियों और कर्मियों के साथ बातचीत करते हुए राज्यपाल ने राज्य में बलों और राज्य पुलिस और नागरिक अधिकारियों के बीच एकजुट दृष्टिकोण, उचित संपर्क और समन्वय पर भी जोर दिया। उन्होंने केंद्र सरकार के वाइब्रेंट विलेजेस कार्यक्रम पर प्रकाश डाला और सुरक्षा बलों से इसके कार्यान्वयन में स्थानीय प्रशासन और लोगों की सहायता करने को कहा। बलों और स्थानीय आबादी के बीच दो तरफा सहयोग पर जोर देते हुए पटनायक ने कहा कि सशस्त्र बल और अपने पास उपलब्ध सुविधाओं और आवश्यक वस्तुओं को ग्रामीणों के साथ साझा कर सकते हैं, जबकि गांव में स्थापित उपयोगिता सेवाओं को उनके आसपास तैनात सैनिकों के साथ साझा किया जा सकता है। उन्होंने अधिकारियों और सशस्त्र कर्मियों से लोगों के स्थानीय रीति रिवाजों और परंपराओं के आदि बनने और उनके सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए भी कहा। जिले में सुरक्षा और कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए पटनायक ने सुरक्षा बलों सतर्क रहने और सीमा पर किसी भी चुनौती के लिए खुद को तैयार रखने की सलाह दी। बातचीत में भारतीय सेना सीआरपीएफ आईटीबीपी और राज्य पुलिस के अधिकारियों और सशस्त्र कर्मियों ने भाग लिया। नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी की राज्य इकाई ने कहा कि पार्टी फिलहाल अरुणाचल प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी का पालन नहीं करेगी, क्योंकि राज्य के अपने प्रथागत कानून है। शनिवार को शहर के एक होटल में पत्रकारों को संबोधित करते हुए राज्य एनपीपी के महासचिव संगठन पकंगा बागे ने कहा कि पार्टी ने सर्वसम्मति से राज्य में यूसीसी के तत्काल कार्यान्वयन का विरोध करने का निर्णय लिया है। भारतीय संविधान में दो प्रकार के कानून है, आईपीसी के तहत आपराधिक कानून, सीआरपीसी के अनुसार लागू एक प्रकार के कानून है, और दूसरा कानून व्यक्तिगत है, जैसे हिंदू विवाह अधिनियम 1955, मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937, ईसाई विवाह अधिनियम 1872 और प्रथागत कानून। बागे ने कहा, एनपीपी अरुणाचल ने सर्वसम्मति से जनजातीय प्रथाओं के साथ आवश्यक संशोधन के साथ राज्य के प्रथागत कानूनों को। महासचिव ने यह भी कहा कि नई पेंशन योजना में कर्मचारियों को किसी कर्मचारी की मृत्यु या सेवानिवृत्ति के मामले में पुरानी पेंशन योजना की तरह पारिवारिक पेंशन के अंतर्गत कवर नहीं किया जाता है। अन्य लोगों के अलावा पार्टी के राज्य कानूनी सचिव पूरा कुंभोम, महासचिव तापी सोरांग और राज्य सचिव कोकररोनिया मीडिया से बातचीत के दौरान उपस्थित थे। पंपी वंशाल को लोंगडिंग पुलिस और 40 असम राइफल्स एआर की एक संयुक्त टीम ने सोमवार को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 140.2 ग्राम वजन वाले संदिग्ध ब्राउन सुगर के 11 पैकेट जब्त किए गए। टीम ने नियामो निवासा गांव में पहुंचाओ से आ रही एक कार को रोका। प्रतिबंधित पदार्थ साबुन के बक्सों में पैक किए गए थे। लोंगडिंग पुलिस ने बताया कि वे आरोपी महिला को महिला के साथी की तलाश कर रहे हैं, जो अपने दोस्त की गिरफ्तारी के बारे में जानने के बाद पहुंचाओ से भाग गई थी। वंशा को अदालत में पेश किया गया और न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उसे 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने आगे बताया कि प्रतिबंधित पदार्थ नागालैंड के
लोंगबा जिले से लाए गए थे और कुछ दिनों में और गिरफ्तारियां होने की संभावना है। वेस्ट कामेंग डीसी आकृति सागर ने मंगलवार को यहां विभिन्न विभागों और चल रही योजनाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने एक आंगनबाड़ी केंद्र का दौरा किया और वहां छात्रों और कर्मचारियों से बातचीत की और जाना कि लाभार्थियों को सभी लाभ मिल रहे हैं या नहीं। उन्होंने यहां एक पोषण वाटिका के उद्घाटन में भी हिस्सा लिया और किचन गार्डन में सब्जियां लगाई। उन्होंने कहा सेरगांव को बागवानी और खेती के लिए प्राकृतिक परिस्थितियों का आशीर्वाद प्राप्त है, इसीलिए जनता पंचायत सदस्यों और गांव के बुजुर्गों को उपलब्ध खाली भूखंडों का उपयोग बागवानी खेती और वृक्षारोपण के लिए करना चाहिए। यहां आंगनवाड़ी केंद्र के परिसर और एसएसबी की 73वीं बटालियन के अधिकारियों के मेस में आयोजित वृक्षारोपण अभियान में भाग लेते हुए डीसी ने एसएसबी से सामुदायिक कल्याण योजना के तहत सेरगांव के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा विकास सहायता प्रदान करने का आग्रह किया। यहां ट्राउट हैचरी केंद्र के निरीक्षण के दौरान सागर ने जिला मत्स्य विकास अधिकारी एम अदक और उनकी टीम की ट्राउट खेती के प्रति आपके समर्पण और प्रतिबद्धता और जनता को इसकी खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रशंसा की। डीसी ने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत बुनियादी ढांचे के निर्माण का भी निरीक्षण किया और नोडल विभाग और ठेकेदार को निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्माण पूरा करने का निर्देश दिया। बाद में उन्होंने सेब के बगीचे, सरकारी प्राथमिक विद्यालय और सामुदायिक पुस्तकालय का दौरा किया। अन्य लोगों में सेरगांव जेपीएम सेरिंग वांगमू लामा, आईसीडीएस डीडीआरटी देरू, डीएचओ पीएन खिरमे, डीएओ लेदो थुंगवान, सेरगांव सीओ अंजलि सीगा, डीएफडीओ मगदे अदक और सीडीपीओ खनलेन जोंगलुजू निरीक्षण के दौरान डीसी के साथ थे। अरुणाचल टाइम्स ने बुधवार को बताया कि पश्चिम कामेंग जिले में कार्यरत एक महिला पुलिसकर्मी ने जिले के पूर्व एसपी बी भरत रेड्डी के खिलाफ यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया है, जिन्हें अब दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया है। रेड्डी एक भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी है और हाल ही में उनका राज्य से बाहर तबादला कर दिया गया है। 8 जुलाई को उन्हें पश्चिम कामेंग जिले के एसपी के प्रभार से मुक्त कर दिया गया। महिला कांस्टेबल ने जिला पुलिस आंतरिक शिकायत समिति में शिकायत दर्ज कराई और चौंकाने वाला आरोप लगाया। शिकायत पत्र के अनुसार जिसकी एक प्रति इस दैनिक के पास उपलब्ध है, कांस्टेबल ने आरोप लगाया कि 23 जून को रात 11 बजे से 12 बजे के बीच उसे एसपी आधिकारिक नंबर से यौन संबंध बनाने के लिए ढेर सारे व्हाट्सएप संदेश मिले। संदेश भेजने के अलावा उसे एसपी की ओर से वॉइस कॉल भी मिली। संदेशों से हैरान होकर उसने कोई जवाब नहीं दिया। इसके अलावा उसने आरोप लगाया कि इस घटना से मनोविकृति की भावना पैदा हुई और उसे गहरा आघात पहुंचा। अपनी शिकायत में उन्होंने कानून की संबंधित धाराओं के तहत एसपी रेड्डी के खिलाफ त्वरित और कठोर कार्रवाई की मांग की। उनकी शिकायत के आधार पर जिला पुलिस द्वारा डीएसपी मुख्यालय राधे ओबिंग की अध्यक्षता में 7 सदस्य आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया था। समिति की 27 जून को बैठक हुई और विचार विमर्श के बाद मामले को स्थानीय शिकायत समिति को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक आंतरिक शिकायत समिति ने शिकायत को पश्चिम कामेंग जिले में स्थानीय समिति एलसीसी को सौंपने का फैसला किया है। यह कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न अधिनियम 2013 की धारा 6(1) के अनुसार किया जा रहा है। स्थानीय शिकायत समिति जिसका नेतृत्व अधिवक्ता कमला दीवान कर रही है और इसमें 8 सदस्य हैं, शिकायत की जांच के लिए 15 जुलाई को एकत्रित होंगी। समिति के अध्यक्ष के तौर पर कमला दीवान ने 6 जुलाई को एसपी बी भरत रेड्डी को समन भेजकर इस महीने की 15 तारीख को समिति के सामने पेश होने को कहा था। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने खेल एवं युवा मामलों के मंत्री मामा नाथुम और अन्य उपस्थित लोगों की उपस्थिति में शुक्रवार को एक छात्रावास सह एकीकृत खेल प्रशिक्षण केंद्र की आधारशिला रखी। परियोजना का प्रस्तावित बजट
27.73 करोड़ रुपए हैं और इसके निर्माण का जिम्मा उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड UPPCL को सौंपा गया है। केंद्रीय खेल सचिव सुजाता चतुर्वेदी वस्तुतः समारोह में शामिल हुई और सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर SA सचिव विष्णुकांत तिवारी गुवाहाटी असम SAI क्षेत्र केंद्र के कार्यकारी निदेशक सत्यजीत सांकृत अरुणाचल ओलंपिक एसोसिएशन के सचिव UPPCL की परियोजना प्रबंधक और SAI और ईटानगर NCOE के कई एथलीट उपस्थित थे। और शिक्षा मंत्री तावा तारीर ने स्कूल और सामुदायिक स्तर से लेकर क्लस्टर ब्लॉक जिला और राज्य स्तर तक सभी हितधारकों से एक साथ आगे आने और आगामी शिक्षा सर्वेक्षण और सूचकांकों में अरुणाचल प्रदेश के प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करने की अपील की है। एक प्रेस विज्ञप्ति में मंत्री ने शुक्रवार को बताया कि दिसंबर 2022 में SCERT ने रिच टू टीच फाउंडेशन के सहयोग से सीखने के अंतराल की पहचान करने के लिए राज्य के 9 जिलों में एक राज्य स्तरीय उपलब्धि सर्वेक्षण किया था। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण के निष्कर्षों से आवश्यक शिक्षण और सीखने की सामग्री और प्रशिक्षण विकसित करने में मदद मिली, जिसे वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में शुरू किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि शिक्षा विभाग ने 2023-24 शैक्षणिक सत्र से राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कई पहल की है। मंत्री ने जानकारी दी, जैसे 1 जून को ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद स्कूल फिर से खुले, सभी स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक स्कूल तत्परता कार्यक्रम शुरू किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छात्र सीखने की प्रक्रिया में वापस लौट सके और कक्षा के गतिविधियों में भाग ले सके। उन्होंने कहा कि शिक्षकों और छात्रों को COVID-19 महामारी के परिणाम स्वरूप बड़ी मौजूदा सीखने की कमियों को पढ़ने में मदद करने के लिए राज्य ने सीखने की पूर्ण प्राप्ति कार्यक्रम शुरू किया है। सीखने की पूर्ण प्राप्ति की इस प्रक्रिया का समाधान करने के लिए SCERT और रिच टू टीच फाउंडेशन द्वारा कक्षा 1 से 12 तक के लिए 24 पुस्तकों, शिक्षक पुस्तिकाएं और छात्र कार्य पुस्तिका एवं एक सेट विकसित किया गया है। ये NCERT द्वारा निर्धारित सीखने की परिणामों के अनुरूप है। इन पुस्तकों में मौजूदा पाठ्य पुस्तकों के पूरक और पूरक के रूप में अनुभवात्मक और गतिविधि आधारित इकाइयां शामिल हैं और छात्रों के लिए सीखने को अधिक आकर्षक बनाने और उन्हें ग्रेट उपयोग सीखने के स्तर प्राप्त करने में मदद करने के लिए मंत्री ने कहा कि शिक्षा विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है कि इन पुस्तकों को जल्द से जल्द सभी स्कूलों के सभी कक्षाओं में प्रसारित किया जाए। कार्डिन ने आगे बताया कि कक्षा 10 और 12 के छात्रों और शिक्षकों के लिए एक परीक्षा और उससे परे टूलकिट भी लॉन्च किया गया है, जिसमें बोर्ड परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने में छात्रों का मार्गदर्शन करने में शिक्षकों का समर्थन करने के लिए परीक्षा ब्लूप्रिंट, अभ्यास पत्र, गतिविधियां और रणनीतियां शामिल है। मंत्री ने आगे बताया कि राज्य ने कक्षा 1 से 12 तक के लिए एक केंद्रीकृत मूल्यांकन प्रणाली शुरू की है, जिसमें यूनिट परीक्षण और अर्थात वार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं शामिल है। इससे सुविधाजनक बनाने के लिए SCERT मूल्यांकन प्रश्न विकसित कर रहा है और परीक्षणों के मानकीकृत संचालन को सुनिश्चित करने के लिए इन्हें जिलों के साथ साझा कर रहा है। उन्होंने कहा, छात्रों के सीखने के स्तर को समझने के लिए इन परीक्षणों के परिणामों का विश्लेषण किया जाएगा और इसके आधार पर राज्य लक्षित हस्तक्षेप की योजना बनाएगा। मंत्री ने बताया कि राज्य ने एक बैगलेस सैटरडे कार्यक्रम भी शुरू किया है, जो जीवन कौशल के विकास, मानसिक और शारीरिक कल्याण को बढ़ावा देने, रचनात्मकता को बढ़ाने और छात्रों के समग्र विकास को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित होगा। और इसी के साथ ETN वीकली न्यूज पर बस इतना ही। बाकी के खबरों के लिए जुड़ते रहिए स्टार टुडे न्यूज पर। धन्यवाद।